कल नान की जो प्रकरण है उसकी विवेचना के दौरान गिरीश शर्मा, चिंतामणि चंद्राकर और के बारिक को बुलाया गया है, लेकिन के बारिक चूंकि छुट्टी पर है, वो 2 तारीख तक नहीं आ पाऊंगा बोला है, इसलिए तीनों को 3 तारीख का डेट देकर वापस भेजा गया है। चूंकि तीनों को एक साथ हमें क्वेश्चन करना था कुछ डायरीज में एंट्रीज के संबंध में, हम लोगों ने तीनों को बुलाया है, लेकिन चूंकि बारिक नहीं आ पाया तो हम 3 तारीख की डेट देकर उनको भेजा गया है। कल गिरीश शर्मा से कोई बयान दर्ज नहीं कराया गया है और ना ही कुछ पूछताछ किया गया है। एक मीडिया हाउस ने खबर पब्लिश की, आपने देखी होगी, उस खबर पे ईओडब्ल्यू का क्या जवाब है उस खबर पर? क्योंकि इसमें ये मेंशन है कि पैसे किस डोमेन से कहे जा रहे थे लेने और किस तरीके से लिए जा रहे थे। जो समाचार पत्र में जो खबर आया है, 2 मुद्दों के बारे में आया है कि एक नान में जो गिरीश शर्मा की बयान के बारे में आया है जो कि सत्य नहीं है, गिरीश शर्मा से कल कोई पूछताछ नहीं हुई है और ना ही कोई बयान दर्ज हुआ है, उनको 3 जून का डेट दिया गया है। दूसरा विषय रजनीश एसपी एसीबी जो पहले एसपी एसीबी थे उनको अप्रूवर बनाने के संबंध में एक समाचार छापा गया है जो कि पूर्ण तरह से असत्य है और ये सिर्फ उनकी एक काल्पनिक खबर है, इसमें ईओडब्ल्यू के तरफ से कोई आधिकारिक खबर नहीं दी गई है और हम आशा करते हैं कि समाचार पत्र जो है केवल आधिकारिक बयान को ही प्रिंट करे, क्योंकि ये काफ़ी हाई प्रोफाइल केसेस है, इसमें हम चाहते हैं कि विवेचना के संबंध में कोई जानकारी अगर छापते हैं तो सिर्फ ऑफिशियली कंफर्म्ड वाला न्यूज़ डाले हैं और दूसरे नहीं। विभाग भी कई बार कोऑपरेट नहीं करता, आईपीएस मुकेश गुप्ता जब बयान के लिए आए थे तब विभाग ने बाइट दी, लेकिन हाल के दिनों में 1-2 दिनों में जब रेखा नायर आई थी तो विभाग ने किसी तरह का फोन कॉल पिक नहीं किया, मीडिया से बात नहीं की। देखिए ईओडब्ल्यू जो है एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है विवेचना के लिए और विवेचना के दौरान कोई भी विवेचना के संबंध में डिटेल्स मीडिया से या सोशल मीडिया से शेयर करना उचित नहीं होगा, ये विवेचना में स्मूथली जाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए मीडिया से कोई विवेचना के संबंध में जानकारी शेयर नहीं की जा रही है। लेकिन जो गवाह बन के आ रहे हैं या आरोपी बन के आ रहे हैं उनसे अगर मीडिया बात करना चाहते हैं तो ईओडब्ल्यू उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकते, वो तो उनकी राइट है, आप कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो विवेचना क्योंकि अभी जारी है, विवेचना पूर्ण होने तक थोड़ा सा मीडिया से हम दूर रहना चाहते हैं।